गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोग का एग्जाम का जो तौर तरीका है, डेट शीट है, टाइम शीट है, वो चेंज हो गया, खास करके टेंथ और ट्वेल्थ का। लेकिन ट्वेल्थ का जो चेंज हुआ है उसमें कुछ जो पैटर्न है वो भी चेंज रहेगा। पैटर्न में चेंज क्या रहेगा, तो पहला तो यह है कि जो सब्जेक्टिव था वो 40 अंक के जगह पर 50 अंक का होगा। यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इस टाइप का जो प्रश्न होगा ये 50 अंक का होगा। और उसके बाद 30 अंक का और परीक्षा जो लिया जाएगा उसमें 20 जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 30 में 20 जो होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा और 10 अंक का जो होगा वो दो नंबर का जो आता था एक लाइन वाला वो है। अब यहाँ पे है क्या कि इस बार की परीक्षा में आपको OMR शीट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और चूंकि OMR शीट का प्रयोग नहीं होना है तो जो परीक्षा आपका दो पार्ट में होता था, पार्ट वन पार्ट टू, और बीच में 15 मिनट का ब्रेक मिलता था, वो इस पर ब्रेक भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों को बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, तो परीक्षा समय में संशोधन हो गया। ट्वेल्थ का परीक्षा जो है वो 2 बजे से लेके सीधे 5:15 बजे तक जो होना था वो होगा। पहले था 2 से लेके 5:20 तक, बीच में ब्रेक था, लेकिन अब 2 बजे से लेके 5:15 तक होगा। और जो स्टार्ट में एक बार आपको आई थिंक 34 पन्नों का एक कॉपी मिलेगा और वही कॉपी रहेगा पूरा, उसमें ना OMR शीट होगा ना कुछ होगा। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आएंगे एक नंबर वाले, उसके लिए आपके पास ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन होंगे। जैसे मान चलो कि यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 42 है। तो अगर आपका ऑप्शन प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन 36 सही होता है तो आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी लिख दीजिए। यानी कि पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके सामने आंसर लिखना है। तो ये पैटर्न होने वाला है। और अभी तक 5 जिले के जो सेंटर है वो निर्धारित नहीं हो सके हैं, इसलिए हो सकता है कि समय परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन अभी तक उसकी संभावना नहीं है और सब कुछ ठीक रहा तो 10 जनवरी तक आपके महाविद्यालयों में प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएगा, एडमिट कार्ड लोगों को मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि किसका सेंटर कहाँ है। और आप लोग तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक।